ईसा हूँ और आप देख रहे हैं टेकबी चैनल्स। आज की टिंकरकैड छोटी डिजाइन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, एक डिजाइन करेंगे एक रॉकेट के बारे में, रॉकेट कैसे बनाते हैं। तो मैं सिंपली इसको आप जैसे देख पा रहे हो, मैं एक डिजाइन किया हुआ हूँ, एक रॉकेट वाला डिजाइन। तो जैसे कि मैं इस तरह कैसे करते हैं, आप इसको मैं सिंपली सेट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं ऐसा एक रॉकेट डिजाइन करूंगा। तो मेरे पास जैसे कि एक सामने के लिए एक कोन चाहिए होगा, तो इसके लिए, और जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको मैं सिंपली मार्च कर लेता हूँ जैसे कि ये आधा से कट जाए, और एक कोन ले लेता हूँ मैं जैसे कि इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो हो गया। अलाइनमेंट कर लेते हैं जैसे कि ये मिडिल पे आ जाए, और जैसे कि इसका थोड़ा और हम सिंपली कर सकते हैं जैसे कि इसके रेडियस में आ जाए। ये हो गया। और सिंपली हो गया ये सब। क्या है तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसके अंदर कर देते हैं वो, इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर लेते हैं। तो हो गया हमारा जैसे कि एक रॉकेट वाला इसका, और इसके हम इसको सिंपली मार्च कर लेते हैं। तो इसके बाद इसको हम जैसे कि हम साइड कर लेते हैं, और चाहिए होगा हमको एक मिडिल वाला पार्ट जैसे कि एक सिलेंडर मैं ले लेता हूँ सिंपली, और सिंपली इसको हाइट कर लेता हूँ जैसे कि जितना ऊंचा हमारा हो जाए, और इसको आ जाए इसके अंदर। तो हो गया हमारा जैसे कि अलाइनमेंट सेंटर में आ जाए, इसका भी सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो हम सिंपली इसको हाइड करके यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा एक आधा अधूरा डिजाइन हो गया है। तो ये वाला पार्ट को हम सिंपली क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप ऐसे कर लेना, और तो हो गया है शायद। तो इसके बाद इसका थोड़ा हाइट हम कम कर लेते हैं, और एक बॉक्स जैसे कि हम पूरा आधे से कट कर देना है। देख पा रहे हो मेरा हो गया है। और इसके बाद इसको हम क्या करने वाले हैं, मार्च कर देते हैं जैसे कि कट जाए हमसे आधा, और इसको जो डिजाइन और एक ले लेते हैं जैसे कि ये वाला पार्ट को हम सिंपली कर देते हैं, और हाँ, तो हो
गया हमारा और इसको जैसे कि हम फॉलो कर देते हैं तो ये वाला पार्ट भी कट जाएगा। और जैसे कि हमारा होने वाला है नीचे का सेशन, आराम से हम कोई भी डिजाइन को कट कर सकते हैं जैसे कि हम ये कर लिया। और जैसे कि इसको मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ और ये वाला पार्ट को मिरर इफेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि हो जाएगा मिरर। ओके, जैसे हो गया ये, इसकी वाइट थोड़ा हो गया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा दो वाला पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ले आते हैं और इसको 90 डिग्री में काम ले आते हैं। और इसका अलाइनमेंट कर लेते हैं जैसे कि इसके आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह एक ब्रैकेट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि और एक डिजाइन यहाँ पे हम कुछ नाम लिखवा रहा हूँ तो आप कोई देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेटर लिख सकता हूँ। यहाँ पे लेटर टेक्स्ट एंड नंबर है, आई चाहिए और एन चाहिए इंडिया, जिसमें लिख सकता हूँ आई एन टी। इन लेटर सेट कर लेता हूँ, टी नाम का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो मेरा तीनों हो गया है।
कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, अपने हिसाब से हम एक रैकेट डिजाइन कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा एक डिजाइन था, मैं इसको सिंपली मर्ज कर दूं, क्या हो जाएगा, ये एक ही पार्ट में हो जाएगा, जैसे कि हो गया है। हमारा रॉकेट बिल्कुल रेडी हो गया है, तो हम लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने एक डिजाइन हो गया है, सिंपली इसको चेंज कर गया है, पूरा एक पीस में आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत और हम डिजाइन कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ऐसे ही हम एक कोई भी एक 3D डिजाइन कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँ तो ये डिजिटल फाइल में सेव हो जाएगा, तो आप जैसे इसको प्रिंटर में निकाल सकते हैं। तो ये तो था एक सिंपल सा एक वीडियो, जैसे कि हम एक रॉकेट कैसे डिजाइन करना सीखे। तो आने वाले सीरीज में और अच्छा अच्छा डिजाइन करना सीखेंगे, तो जुड़े रहिए, आने वाले सीरीज में और अच्छा अच्छा डिजाइन करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।